जबलपुर की केंद्रीय जेल में बंद पूर्व बिशप पीसी सिंह को एक और झटका लगा है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की जबलपुर डायोसिस ने पूर्व बिशप पीसी सिंह को नोटिस जारी करते हुए बंगला खाली करने के निर्देश दिए हैं। यह बंगला नेपियर टाउन स्थित सीआईडी ऑफिस के पास है, जिसमें पीसी सिंह अपने परिवार के साथ रहा करते थे। नोटिस में कहा गया है कि अगर समय अवधि में बंगला खाली नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जानकारी के मुताबिक बहुत जल्द नए बिशप की नियुक्ति होगी, जिसके लिए उन्हें यह बंगला चाहिए। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू की टीम ने बर्खास्त बिशप पीसी सिंह के घर पर छापा मारा था। उस समय वह जर्मनी में था। पीसी सिंह के घर से 1,65,00,000 रुपए नगद सहित विदेशी करेंसी भी मिली, जिसकी कीमत $18,000 थी। जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम ने सीआईएसएफ की मदद से 11 सितंबर को जर्मनी से लौटते समय नागपुर एयरपोर्ट से पीसी सिंह को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जबलपुर डायोसिस ने 7 अक्टूबर को बिशप पद के पीसी सिंह को बर्खास्त करते हुए एक माह के भीतर बंगला खाली करने के निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि मॉडरेटर बनने के बाद बर्खास्त पीसी सिंह ने पिछले 5 साल में एक बार भी दिल्ली के चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के भवन में सीनेट की मीटिंग नहीं होने दी। इस दौरान सीनेट के सदस्यों ने कई बार मीटिंग आयोजित करने के लिए कहा, लेकिन हर बार वह कोई ना कोई बहाना बताकर मीटिंग को टाल दिया करते थे। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।